पता अनिका भाभी कहाँ पे और तुमने 10 लाख रुपए क्यों निकलाते, जल्दी बता। कौन हो तुम लोग, कौन से पैसे, कौन अनिका भाभी? तू बताता है तो। देखो नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, हमें पता है कि तुमने कल बैंक से 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, हमें बैंक ने ही तुम्हारा एड्रेस दिया है, अगर तुम सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वरना तू बहुत पछताए कर रंजीत प्रधान। रंजीत प्रधान? मैं रंजीत प्रधान नहीं हूँ। और झूठ बोले, तेरे अकाउंट पे ये एड्रेस लिखा हुआ तो तू रंजीत प्रधान कैसे नहीं हो सकता? वो घर का एड्रेस मेरा है, लेकिन मैं रंजीत प्रधान नहीं हूँ, मैं मोहन वर्मा हूँ। आप लोग चाहो तो मेरा घर के पेपर्स देख लो और मेरे आईडी कार्ड भी। मैं मोहन वर्मा हूँ, रंजीत मेरा दोस्त है, पिछले कुछ दिनों से वो मेरे घर रह रहा था, मुझे नहीं पता कि मेरे घर के एड्रेस पे उसने बैंक अकाउंट खुलवाया है। कहाँ है वो इस वक्त? मुझे नहीं पता, कल रात से आया नहीं। उसकी कोई फोटो, दिखता कैसा है वो? एक मिनट, ये रही। कौन है? भैया ये राजीव है। राजीव? राजीव, राजीव कश्यप। तो तुम्हें पता इसने 10 लाख रुपए क्यों निकलवाए थे? नहीं, उसने कहा था किसी लैंड के डील के लिए वो आया है, शायद उसके लिए निकाले होंगे। कहाँ है वो लैंड? मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं। हाँ भाभी, नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आया, पर अगर ऐसा कोई कॉल आता है मैं आपको तुरंत फोन करके बता दूंगी। जी भाभी। आने का भाभी का फोन था? नहीं भव्या भाभी का फोन था, पूछ रही थी रैंसम के लिए कोई कॉल आया था आपको? नहीं मुझे कोई कॉल नहीं आया। ओह नो, क्या हुआ? इस समय मैं भूल गया कि हमारे नई डील की बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है आज, और अगर हम इस प्रेजेंटेशन में नहीं पहुंचेंगे तो ये डील हमारे हाथ से निकल जाएगी और ओबरो इंडस्ट्रीज का नामो निशान मिट जाएगा। शिवाय ने इतनी मेहनत की इस डील के पीछे और उसे फोन तक नहीं कर सकता क्योंकि वो भाभी को लेकर इतनी परेशान है। भैया समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, घर भी छोड़ के नहीं जा सकता मैं। अरे साहब, आप अपू अल्ताफ, वो झूक वाले सिग्नल पर आपसे रोज मिला करता था। तुम्हारा नाम क्या है? अल्ताफ। क्या हुआ साहब, आप बहुत दुखी लग रहे हो, और आपकी मिसेज कहाँ है? उसे ढूंढ रहा हूँ। आप फिकर मत करो साहब, आपके मिसेज आपको जरूर मिल जाएगी, किस्मत बड़ी कमाल की चीज है साहब। अब देखो ना, कल तक अपुन के पास खाने तक के वांदे थे और आज अपुन एक झटके में अमीर हो गया साहब। ये देखिए साहब क्या मिला, ये देखिए साहब। ये तो अनिका का कंगन, तुम्हें कैसे? सड़क पर एक कार में से गिर गया और अपुन ने उठा लिया। थैंक्स फॉर द क्लू अनिका। पता है कौन सी गाड़ी थी, कौन से रंग की गाड़ी थी, उसका नंबर क्या था, कहाँ गई? काले रंग की गाड़ी, काले रंग की। कुछ नंबर? नंबर तो याद नहीं है, पर उस तरफ गई थी साहब। दुआ करना मुझे मेरी अनिका वापस मिल जाए। जी साहब, अल्लाह आपके मन की मुराद पूरी करे साहब। हाँ भैया, कुछ पता चला? भैया भैया वो रंजीत प्रधान कोई और नहीं बल्कि राजीव कश्यप है। राजीव कश्यप? और हमें ये भी पता चला है कि उसने लैंड परचेज करने के लिए वो 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, और लैंड रजिस्ट्री ऑफिस से हमें पता चला है कि उसने लैंड कहीं आसपास पनवेल में खरीदी है। पता नहीं कोई पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री है, मैं उसका एड्रेस आपको भेजूंगा और हम लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं। ओके, जल्दी भेजना भैया। ओ मेरी बात सुन, आज की प्रेजेंटेशन तुझे करनी पड़ेगी। ओके शिवाय, मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? तू जानता है कि पब्लिक स्पीकिंग मेरे बस की बात नहीं है, और तू और रुद्र साथ में होते तो बात अलग होती, लेकिन मैं अकेले कैसे? तू कर सकता है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और ऐसा नहीं कि तुझे नहीं पता क्या करना। तो आज तक हमारे हर प्रेजेंटेशन में हमारे साथ था, यू नो एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट आज तक तुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आज जो भी करना है तुझे ही करना है वो, और अगर तू कहीं भी अटक जाए ना, बस मेरे बारे में सोचना और इतना याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, ऑलवेज। ठीक है शिवाय, लेकिन हाँ, अगर तुझे भाभी के बारे में कुछ भी पता चला ना तो सबसे पहले मुझे फोन करेगा तू, ओके?